हिंदुस्तान में आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो एक टाइम का भी खाना अफोर्ड नहीं कर पाते और भूखे सोते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने ना सिर्फ लोगों की जरूरतों को समझा बल्कि उनके लिए कुछ किया भी। नोएडा के अनूप खन्ना जी से मिलने, जो पिछले 4 सालों से लोगों को सिर्फ 5 रुपए में देसी घी का बना खाना खिला रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। अनूप जी ने 2015 में अपनी माँ के कहने पर दादी की रसोई शुरू की थी और तब सिर्फ 15 से 20 लोग ही यहाँ खाना खाने आते थे, लेकिन आज दादी की रसोई 400 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाती है। डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, मम्मी की तबीयत हल्की सी खराब थी, कम खा रही थी, तो मजाक में बोली मैं आजकल खा पी नहीं रही हूँ, मेरे हिस्से का गरीबों को क्यों नहीं खिलाते, जरूरतमंदों को खिला दो, तो सोशल एक्टिविटीज बहुत करते हैं। तो मेरी बेटी के मुँह से निकला, बोले पापा दादी की इच्छा क्यों नहीं शुरू कर देते हैं क्या करेंगे। तो बोली मम्मी के मुँह से निकला था कि दाल और चावल कर दिया करो, एक हरी मिर्च जरूर दे देना साथ में। तो फिर ये हुआ, चलो दादी की रसोई के नाम से शुरू करते हैं। लंबी उसी टाइम टेबल पे अब नाम इतना अपीलिंग था दादी की रसोई, मैंने कहा दादी आपके नाम से रसोई शुरू हो रही है, अब तो शुरू कर देते हैं। तो दादी का नाम लेके 21 अगस्त को हमने 2015 में भगवान का नाम लेके शुरू कर दिया। लोगों की मदद की बल्कि इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि लोगों को ऐसा ना लगे कि वो उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। जब हमने शुरुआत करा था तो हम पार्क में बैठे थे, बहुत सारे लोग थे, हमारे मित्र थे, सबने कहा शुरू कर यार, खन्ना हम साथ है, साथ है। पहले दिन भी साथ रहे, अब दूसरे दिन जब फोन करना यार मेरा बैंक का काम, सब काम तो होते ही, कुछ उनको बुरा नहीं हो, सब बिजनेसमैन है और नोएडा जैसे शहर में सर्वाइवल है, और मैं तो अपनी मदर के नाम से कर रहा हूँ तो मेरे तो सेंटीमेंट्स हैं। अब दूसरा कहेगा यार ये तो अपनी माँ के नाम से कर रहा है, ये तो लगा हुआ है, वाई शुड आई, मतलब एक फीलिंग से हो सकता आती। तो अब दिक्कत कहाँ पड़ गई कि मुझे लगा 3-4 दिन बाद ही मैं अकेला रह गया, फ्रस्ट्रेशन होती चली गई। फिर मुझे लगा कि अगर ये काम करना ही है कुछ नहीं रहेगा, बोले यार करना हो गया, हफ्ता 10 दिन बहुत हो गया। मैंने कहा नहीं ये चला है तो चलना चाहिए जब तक मैं चलाऊँ। फिर हमने इसे मिसेज वगैरह से डिस्कस करा, बच्चों से डिस्कस करा, बच्चों ने कहा पापा जितना स्टाफ का खर्चा आएगा अगर नहीं होगा तो हम लोग भी करेंगे, लेकिन आप प्रोफेशनल स्टाफ हो, सारा हमारा प्रोफेशनल स्टाफ है, मेरे को कोई चिंता नहीं रहती। आप सिर्फ यहाँ देख रहे हैं दादी की रसोई, हम 5 रुपए में समाज सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल इसके माध्यम से जो मैं सोशल इनको स्विक सेंस दे रहा हूँ उसको देखिए आप। आपने देखा लाइन लगती है, 5 रुपए का सिक्का हाथ रखते हैं, टाइम की वैल्यू सिखा रहा हूँ। अनूप जी की नोएडा सेक्टर 29 में दवाइयों की शॉप है, जिसके सामने ही वो दोपहर 12 से 2 बजे तक अपना खाने का स्टॉल लगा रहे हैं। तो चलिए में जो हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो सिर्फ दाल चावल का कंसेप्ट था हमारा और अचार देने का, लेकिन लोग जुड़ते चले गए, कोई अपना जन्मदिन मनाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई अपने बुजुर्गों को याद करके कुछ करना चाहता है उनकी याद में। फिर हमने सोचा कि उस पैसे को यूज़ कहाँ करें, तो फिर हम लोगों ने इसमें तंदूरी रोटी भी ऐड करी है, रसगुल्ला ऐड करा, पेड़ा ऐड करा, फ्रूट्स हैं, गुलाब जामुन का पानी वगैरह, ये सारी चीज़ें, मीठा शरबत वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐड करें। 5 रुपये में दाल चावल या कोई भी चीज़, उसके साथ में रोटी ले लीजिए, रसगुल्ला ले लीजिए। यहाँ का बस एक ही रूल है कि जो आएगा उसे लाइन में लगना पड़ेगा। तीन सेकंड के अंदर एक आदमी आ जाता है, हमने चावल डाले, दाल डाली, हमने ना आपका समय खराब हो ना मेरा समय खराब हो, समय की वैल्यू बताने की कोशिश करी गई है इसके माध्यम से, लाइन के माध्यम से। लाइन में दो पर्पज सॉल्व हो जाते हैं, एक तो अमीर गरीब का फर्क खत्म हो जाता है। मुझसे पूछते हैं कि साहब आपने क्या क्राइटेरिया बनाया है, कोई अमीर भी खा रहे हैं, मैंने कहा लाइन में जो लगाए मेरे लिए वो भूखा है, उसको खाना देना मेरा फर्ज है, खाना अच्छा है लोग मांगते हैं तो लाइन में लगते हैं, और अब तो खैर बड़े बड़े लोग लाइन में लग रही है। अनूप
जितने भी दिव्यांग आते हैं उनको हम लोग पैसे नहीं लेते, लेकिन उनको पैसा देना ज़रूरी है। वो अपनी जेब से पैसे निकालते हैं, वो अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। मैं मना करूँगा कि मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा। बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ जितने दिव्यांग आते हैं सब अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और हमारा जब हाथ जोड़ते हैं तो उनको एक सेटिस्फेक्शन सा लगता है कि हाँ, मुझे इज्जत दी जा रही है। अनूप जी किसी भी तरह से लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। ये सिर्फ उन्हें खाना ही नहीं खिलाते बल्कि लोगों को कपड़े भी बेचते हैं। जो लोग अपने पुराने कपड़े इनको दे जाते हैं, ये उन्हीं कपड़ों को सिर्फ 10 रुपए में जरूरतमंद लोगों को बेचते हैं। मतलब देने वाले का दिल है, देने वाले का भी दिल है। ये हम लोग 5-5, 10-10 रुपए में दे देते हैं। ये 10 रुपए में मिल जाएगा सबका। बढ़िया बढ़िया साड़ी है, सोच सकता है कोई 10 रुपए में। और आपने भी चेंज कराया है। रोटी खाएंगे? नहीं नहीं, मीठा तो खाना पड़ेगा फिर। मीठा रसगुल्ला खाइए। It smells amazing. तो आज के इनके मेन्यू में चने की दाल, चावल, फ्रूट, पार्ले जी का बिस्किट और मिठाई में भी बहुत कुछ है। ट्राई करते हैं। खाने के टेस्ट से पता चल रहा है कि कितने प्यार से बनाया गया। बहुत टेस्टी है। हम लखनऊ से आए थे और दादी की रसोई का हमने नाम बहुत बढ़िया सुना था और बहुत बढ़िया खाना अच्छा लगा और हमारा पेट भर गया। दादी की रसोई बहुत बढ़िया खाना था। तो मैं भी जब भी चक्कर लगाता था दिल्ली के, तो मुझे सोचता था कि मैं मिलूं, मगर आज मैंने ऑफ रोड गाड़ी करके स्पेशली इनके लिए मिला। एक साल से ट्राई कर रहा था इनसे मिलने के लिए। कभी मैं 2 बजे के बाद आता था या 10 बजे पहले यहाँ आ जाता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टाइम पहुँच जाऊँ पहले 12:30 बजे स्पेशली ये खाने के लिए। मुझे मेरे से कई लोग कहते हैं कि अंकल बॉम्बे में शुरू कर लीजिए, अंकल यहाँ शुरू कर लीजिए। आप मुझसे ही क्यों उम्मीद करते, मेरे से आप राय लीजिए क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो काम करूँगा मैं अपने बलबूते यही करूँगा। मैं अपना कंसेप्ट बाकी जगह देने को तैयार हूँ। आप खूब करिए। लोगों ने मेरे से पूछा हम दादी की रसोई शुरू करना चाहते हैं। मैंने कहा चाचा की रसोई क्यों नहीं, ताऊ की रसोई क्यों नहीं, अरे इस नाम में क्या रखा है। बोले नाम बड़ा अच्छा है। मैंने कहा काम नहीं दिख रहा तुम्हें। आपको लगे कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, तो एक बार अनूप जी जैसे लोगों के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो इस उम्र में भी लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। एंड इफ़ यू नो एनी सच इंस्पायरिंग स्टोरी देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू करी। दिस इज सोनाक्षी कौर, सी यू सून।